जय सियाराम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के यूट्यूब चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि वो कौन सा समय होता है जिस समय राम नाम की शक्तियाँ मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, और ज़्यादातर जितने भी साधक होते हैं उनको इस समय राम नाम की गुप्त शक्तियों की प्राप्ति के दिव्य अनुभव जरूर होते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। वैसे तो प्रभु श्री राम जी कब किस पर कृपा कर दें इसके बारे में तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो संतों के मत हैं, जो सिद्धांत हैं और जो गुप्त विधियां हैं और जो गुप्त समय हैं, अगर उनका पता होता है, उनके अनुसार चला जाता है, तो उनका भी कुछ महत्व तो हमारी साधना में हो जाता है। तो हम जब जाप करते हैं उस समय हमारा मन अगर एकाग्र होता है, हमारा मन राम नाम के जाप में पूर्णतः लग रहा है, जाप करने का मन कर रहा है और आपको जाप पैसे उठने का मन नहीं कर रहा, तो वह राम नाम की शक्तियों के आने के संकेत होते हैं। और जो समय होता है वह होता है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह 4:15 से 5:15 के बीच। ज़्यादातर साधकों के हमने अनुभव और उनसे बात की है तो उन्होंने दिन में राम नाम के जाप के मुकाबले इस समय राम नाम का जाप उन्होंने किया है तो उनको कई गुना लाभ प्राप्त हुए हैं, उनके जीवन में अलौकिक चमत्कार हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय एक शांत वातावरण होता है, उस समय सारी भाग दौड़ बंद होती है और उस समय सब कुछ शांत एकदम सन्नाटा होता है। जैसे कि आप सुबह के समय किसी को कॉल लगाते हैं तो आपका कॉल बहुत जल्दी लग जाता है, और अगर उसी कॉल को आप दिन में लगाते हैं तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है या फिर कॉल देरी से भी लग सकता है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें भगवान से अपना तार जोड़ना है, भगवान की शक्तियों को पाना है, तो उनके समय का चुनाव करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा बताया गया है कि इस समय पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, वह सब पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं और हमारा ऑरा और हमारी ओज शक्ति कई गुना बड़ी होती है, और उस समय अगर जाप किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तो उसके कई गुना लाभ हमें प्राप्त होते हैं। ये तो रही एक बात राम नाम के जाप की शक्तियाँ प्राप्त करने की। दूसरी बात, जिस समय आपके दोनों नथुनों के स्वर बराबर चल रहे हों, यानी कि दोनों स्वर आपके बराबर चल रहे हों, सुषुम्ना और पिघला दोनों नाड़ियां आपकी बराबर स्वर में चल रही हों, और उस समय अगर आप जाप करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि उस समय का जाप आपको बहुत शीघ्र ही हर साधना में सिद्धि प्राप्त करा देता है। उस समय को शास्त्रों में और विद्वानों ने बताया है कि उस समय हर साधक की जिह्वा पर माँ सरस्वती का निवास होता है, और उस समय जो भी भगवान से प्रार्थना की जाती है, जो भी विश मांगी जाती है, जो भी सोचा जाता है, वह बहुत शीघ्र हो जाता है और वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है। तो आप इन दोनों जगहों के बारे में और इन दोनों समय के बारे में आप ध्यान रखें। जिस समय आपके नाक के दोनों स्वर चल रहे हैं उस समय जाप करें, वह कभी भी हो सकता है, और ज़्यादातर आपको 4:15 से 5:15 के बीच में अगर आप जाप करते हैं, चाहे आप 1 घंटे जाप करते हैं, चाहे आप बिना नहाए धोए भी जाप करते हैं, लेकिन शौचाद क्रिया से बिना निवृत्त हुए तो भी आपको राम नाम के जाप के कई गुना लाभ और शक्तियों का अनुभव शीघ्र हो जाता है। तो आशा है आप भी इस नियम को अपनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम, जय हनुमान।